टेलीफोन एक्सचेंज वाले का घर। तलाशी लो जल्दी जल्दी इसका, पड़ोसी ने पीटा तो मुझे लगी थी हल्दी इसका। हाँ, इससे पहले कि वो ब्रह्मचारी आ जाए हमें इस घर की तलाशी जल्दी जल्दी ले लेनी चाहिए। चल जल्दी जल्दी। ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर तलाशी लेने आए हैं, तू लड़की की फोटो देख रहे है? हाँ गुलगुले जी, ये लड़की है ही इतनी खूबसूरत, और फिर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, तो यही बनेगी अब। Well, see me, show me. Hey, yeah, this one. Oh my God! किन्नी सोनी कुड़ी है यार। ये फोटो दिखा। शादी कर। ये लड़की तो मोनालिका है। आपको कैसे पता कि ये मोनालिका है? क्योंकि इसके पीछे साफ साफ लिखा है मोनालिका। यानी कि ये टेलीफोन एक्सचेंज वाला मोनालिका को जानता है, फिर उसने हमें झूठ क्यों कहा? कुगारो जो, अरे कुए, कोई है? कुगारो गाना जो, यार आधी रात के चल लगूगा मजा। हे बताओ मोनालिका कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो? साहब हमें कोनो मोनालिका नहीं पता, जो कौन सी मोनालिका की बात कर रहे हैं आप? हसीना में हड़ दंगे। यू शट द अप इज द, वरना पड़ेगी धपा धप इज द। अगर तुम मोनालिका को नहीं जानते हो तो उसकी फोटो तुमने घर पे उसकी आरती उतारने के लिए रखी हुई है। जल्दी बोलो वरना तुम्हारा मैं एंटरटेनमेंट कर दूंगा। इनकाउंटर भैया। हे या दिस वन। अरे साहब एनकाउंटर की क्या बात है, देखो ऐसी बात है, आप पूरी बात बता रहे। एक सेकंड झुका, देखो श्री दादा ये देखा है, नीचे थोड़ा नीचे। हाँ देखो बात ऐसी है कि साहब मोनालिका की बात जो आप कर रहे हो वो हमारी मुंह बोली बहन आए, ठीक है? हम उनके भैया अलग रहे, अब कलकत्ता में रहते, ये थे पढ़ाई के लाने आई थी, अब फिर जब से हम ढूंढ रहे हैं 2 महीने से उनको पता ही नहीं चल रहा, फोन लगा रहे घर में कोई फोन नहीं उठा रहा। साहब देखो ऐसा है, वो पार्ट टाइम के लाने खर्चा पानी निकाले के लाने जॉब कर रही थी टेलीफोन एक्सचेंज में, बाकी इसे ज्यादा हमें कछु नहीं पता। लेकिन अगर 2 महीने से मोनालिका गायब है तो उस कुल्फी को फोन कौन कर रहा है? साहब कुल्फी को तो फोन हम ही कर रहे थे, मोनालिका की आवाज में कर रहे थे। बट व्हाई इज द, तुम उसको धमकाने की क्यों कर रहे थे? ट्राई इज द। दादाजी बात ऐसी है, थोड़ी सी नीचे इतने देखियो जी जी, ठीक है दादाजी। बात ऐसी है कि जो कुल्फी है ना जी की आप बात कर रहे, हमने मोनालिका को कुल्फी की कार में कुल्फी के साथ देखा था, और पता नहीं क्या बात हो गई, मोनालिका खींच खींच के रैपटी मार रही थी। हमने सोची बजा तो पता करें, क्या बदतमीजी कर दी, क्या होगा गो ऐसो, हमने बजा पता जब से शुरू करिए तब से वो गायब है। अब हमें लगा कुल्फी को जो करो धरो लग रो, पूरी बजा कुल्फी की लग रही साहब, तब से हमने सोची डरा धमका के कछु फोन ही करें, कम से कम डर जाए तो पुलिस चौकी में जाए और सारी सारी अपनी गलती मान जाए। हसीना मोड़ दंगे साहब। अच्छा ये बात है, ठीक है अब देखना कैसे पिघलता है वो कुल्फी कुल्फी की तरह। बोल बोल, यो कौन है? बोल 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 बोल, कौन है यो? बोल। मैं इसे पहचानता हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ, ये कौन है के साइलेंट है? अबे यही मोनालिका है बे, मुछड़। क्या ये मोनालिका है? ये तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये मुझे क्यों फोन करती है? मैडम के साइलेंट है, मैंने क्या किया है? ओ अंकल मुछे, ये सब सोच है। अभी आपने कहा कि आप इस लड़की को पहचानते हो, और थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप किसी मोनालिका को नहीं जानते,
है? के कहां साइलेंट है? कई दिनों पहले मैं अपनी गाड़ी लेके कार लेके जा रहा था, तो अचानक ये जो मोनालिका है वो मेरी गाड़ी के सामने आ गई। बहुत घबराई हुई थी, मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैडम वो मुझसे कहने लगी कि बहुत जल्दी अर्जेंट मुझे काम है, मुझे स्टेशन छोड़ दो। तो मैडम मैं एक शरीफ बनता हूँ, मैंने सोचा कि लड़की बेचारी ये मुसीबत में है तो मैं उसे स्टेशन छोड़ दूँ, तो मैंने उसे स्टेशन छोड़ दिया। बाकी मुझे और कुछ भी नहीं पता है। यो तैने थप्पड़ पे थप्पड़ क्यों बरसा रही थी गाड़ी में बैठी हुई थाली में? तो इसमें मैडम मेरा कोई गुना नहीं ना, मेरी गाड़ी का, मेरी कार का गुना है। मैडम मेरी कार है ना वो 20 की स्पीड के ऊपर चलती ही नहीं है, तो वो गुस्सा हो रही थी इसलिए मुझे वो थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी कि गाड़ी जल्दी तेज चलाओ, मुझे स्टेशन पहुंचाओ, केस साइलेंट है। अच्छा ऐसी बात है। तो भैया थप्पड़ पे थप्पड़ खाने के अलावा तुम लोगों ने कुछ बात की, मतलब उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कुछ नहीं कहा ना उसने मुझे, वो बस मुझ पे गुस्सा हो रही थी और थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी और कह रही थी कि जल्दी अर्जेंट मुझे स्टेशन पहुंचाओ, मुझे ना हावड़ा मेल पकड़नी है, के साइलेंट है। हावड़ा मेल, इसका मतलब मोनालिका कलकत्ता में, और हमें भी जाना होगा कोलकाता। কলকাতা কলকাতাতেই আমার শহর, আমার শহর। Well, आगे हैं हम कोलकाता इज़दा, आप पूछते हैं या पोता इज़दा? हाँ तुम लोग जरा पूछो ये अपना कोलकाता वाड़ी पुलिस स्टेशन कहाँ है, हम तब तक टैक्सी ढूंढ के लाते, चले गुलगुले। अच्छा मैं वो भी ढंग से पूछना, हम चाय पी रहे हैं यहाँ पर। बाबूजी सिर्फ 100 रुपया? अरे इतना सामान उठाए हैं कम से कम 500 लगेगा। हमें पहले ही पता था कि ऐसी कोई ना कोई लीचड़ हरकत तुम जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम लीचड़ हो, एक नंबर के बेवकूफ हो, घटिया आदमी हो, लफंडर हो। तू सड़क चाप, तू उठाई गिरे, 500 रुपए दे दे वरना ले ले कुली की बात दुआ। कुछ हुआ था कि? ना ना कुछ नहीं हुआ भैया, यहाँ के कूली लोग बहुत अच्छे, चलो उनसे मिलाते, चलो सामान उठाओ, सामान उठाओ, चलो चलो सामान उठाओ, कूलियों से मिलाते तुम्हें, चलो चलो सर। सुनो भाई वो अपना ये जो है ना यार, बात तो सुन ले पूरी, पहले ही हाथ मार दिया यार। Well, excuse me, yeah. केनो? हमने एक सिनेमा देखते अच्छे लम देरी करो अच्छे केनो आमके। Excuse me. अरे अरे इंग्रजी ना चले गलो नाटी पुती खाने छेड़ गए केनो? अच्छे करो अच्छे लगे ना। अरे hello, excuse me, bro. ये पापा पापा हाँ पता लग गया कहाँ है पुलिस स्टेशन? Well, mom, you know, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है, हम कौन से शहर में आ गए हैं? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम आपको तो इतनी सारी भाषाएं आती हैं, आपको बंगाली नहीं आती? क्या फायदा इतनी सारी भाषाएं सीखने का जब बंगाली नहीं आती यार। अब यहाँ पे कैसे चलेगा अपना? रानी मुखर्जी बंगाल है। ओ क्या बात कर रहे हैं, हमें तो लग रहा था रानी मुखर्जी मद्रासन है। मिस चंद्रमुखी चौटाला, आप कैसा कैसा आदमी लोग को पुलिस में भर्ती किया है, इनको इतना भी पता नहीं है कि रानी मुखर्जी बंगालन है? वाह वाह भाई, रानी मुखर्जी बंगालन है, वेरी नाइस। लेकिन फिलहाल जो हमने आपसे जो है बात पूछी थी, मोनालिका का फोटो भेजा था आपको, उस लड़की का कुछ पता चला? मैडम मिस चंद्रमुखी चौटाला, हम सकाले उठ के झालमुड़ी खाया, दोपहर बेला माज भात खाया, उसके इलाके में जाके उस लड़की के घर को ढूंढ के निकला, लेकिन लड़की के घर का दरवाजा बंद था, इतना बड़ा ताला लटका हुआ था, उसका मोहल्ले वाला कुछ नहीं जानता, बस माछ भात खाता। हाँ
लेकिन एक बात जानता था। कौन सी बात? कौन सी बात बताइए जल्दी, कौन सी बात जानते हैं उसके मोहल्ले वाले? कहीं वो बात इस केस की कड़ी ना सुलझा दे, बताइए। यही बात जानता था कि रानी मुखर्जी बंगाल आना है। ना मिश्रा ना हम कोलकाता में है। इतनी दूर से कलकत्ता, इतनी दूर से आए हैं कलकत्ता आने का कोई फायदा ना हुआ मतलब? मिलेंगे मैडम, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैडम आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो मैडम पहले कुछ थोड़ा खा पी ले। पी ले? ओहो महाराज, इजी बॉय। सॉरी सॉरी मैडम, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। तो ठीक है मैं छोड़ा, हम क्यों ऐसी बातें करें? ठीक है मैं छोड़ा, हम पहले कुछ खा पी लेते, उसके बाद सोचते क्या करना है, हैं? अरे आप चिंता क्यों करता है, हम है ना इंस्पेक्टर माछी मुखर्जी, आपको एक बढ़िया होटल में लेके जाता है जहाँ खाना में मिलेगा और गाना बजाना भी मिलेगा। रानी मुखर्जी बंगालन है। अरे आपने ये गाड़ी में बसू, कोई चिंता करबे ना, हम आछी ना। সেই কথারই আমার চিন্তা। আমরা তো কোনো কাঠধার নাই, আমরাও পুলিশ। এক্সকিউজ মি মিস্টার ডালা, হাম চলো বাইরে চলো ভাইয়া, চলো যাকে আপনা কাম করতে, চলো यार आप चालू रहिए, आप लोग चालू रहिए, नो प्रॉब्लम। यो कहां है ओ छोरी, कहां है ओ छोरी, जल्दी बोल। अरे কিন্তু আপনি কে? अरे আমি পুলিশ। अगर जेल न जाना मांग रहा हो तो जल्दी बताइए छोरी मोनालिका कहाँ है? मर गया, मोनालिका मर गया, हावड़ा में झील गया। होड़ 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 होड़। ओह माय गॉड, वही हुआ जिसका था डर इंदा, मोनालिका कहीं मर इंदा। अबे मोनालिका मर कैसे गई बे, हैं? कहीं तूने तो नहीं मार दिया उसे? अरे नहीं, अरे दादा हम कैसे मारेगा उसको, उसी ने हमारा खून किया है। हावड़ा बड़ी झील गया। होड़ 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 होड़। देखो यार बात को इस तरह गोल गोल घुमाओ मत, जो भी बात है, दिन है या रात है, सर्दी है या बरसात है, खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बंद लिफाफा खोल डालो। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग बनाया और गुस्से से सन्नाया तो हमारी मैडम एक नंबर की गीतू गुसेल, मेरा मतलब है सोतू सोहेल, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ए बताते हैं दादा, बताते हैं। देखिए मैडम, हमारा नाम है आशिक, आशिक बंगाली। ए मोनालिका, मोनालिका हमारा दिल का, हमारा अरमान का, हमारा उम्मीद का, हमारा मोहब्बत का खून कर दिया है। मोनालिका हमारा दिल का, हमारा अरमान का, हमारा उम्मीद का, हमारा मोहब्बत का खून कर दिया है। पूरी बाबा, वो जो लड़की था, मेरा मतलब लड़की है, वो खूनी है। तू बोल बोल। हाँ हाँ बोलता है मैडम, ऐसा है कि मोनालिका और हम एकदम सच्चा वाला लव वाला इश्क करता था हम लोग। हाँ मैडम, किंतु उसने हमारा दिल तोड़ दिया, हमको धोखा दिया है। हावड़ा ब्रिज हिल गया। होड़ 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 होड़। कैसा धोखा दिया बे, हैं? अरे उसने शादी कर लिया है, वो ससुराल चला गया है। क्या मोनालिका की शादी हो गई? हाँ, एक महीना हो गया उसका शादी हुए और हमारा दिल का हावड़ा ब्रिज हिल गया है। होड़ 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 होड़। तैने उसके ससुराल का कोई एड्रेस वगैरह भेजा है? हाँ पता है, हम आपको बताएगा। हम उसको बोला था कि हम तुम्हारा गोली में कभी कदम नहीं रखेगा, किंतु रोज अपना कदम जाके रखता है उधर कि एक बार हमको मोनालिका दिख जाए, किंतु हमको आज तक वो कभी भी अपना दरवाजा में नहीं दिखा, ना अपना खिड़की में दिखा, ना बालकनी में दिखा। हम सोचता है कि वो अपना ससुराल में किधर छुप के बैठा है। सर हमें मोनालिका के ससुराल जाना होगा। मैं छोड़ा ला जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, हमें मामला थोड़ा ठीक ना लग रहा है, तो अगर पुलिस की वर्दी में जाएंगे ना तो मामला और बिगड़ सकता है। तो किसने कहा सर कि पुलिस की वर्दी में ही जाना जरूरी है?
शरबत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आमी मोनालिकार बंधु, बचपन का बंधु, फ्रेंड। आमार नाम मिष्टी और ये मेरा मिस्टर मिथुन बाबू। हाँ हाँ हाँ। ओके, क्या हुआ ना, शादी के बाद ना हम लोग लंदन में शिफ्ट हो गया, और ये किसी काम का नहीं है ना, नहीं मतलब इनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, इसलिए हमको रिटर्न इधर आना हुआ इंडिया में। तो मैंने कहा कि हमारा बचपन का बंधु फ्रेंड को मिलेगा, उसको बुला दीजिए, मोनालिका को। कितने मुश्किल से इधर का पोता मिला है, क्या है मोनालिका? हमारा तो भाग ही फूट गया, हमारा बेटे का हॉट ही टूट गया, कबूतर उड़ा काली घाट में। हमने कभी नहीं सोचा था, सपना में भी नहीं सोचा था कि हमारा साथ ऐसा हो जाएगा, मसाला खुट के और मान बिखर जाएगा टूट के। किंतु होलो की हुआ क्या है? यही कि हमारा पत्नी हमारा हॉडी पोछली एक कर देगा। किंतु होए चेटा की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आमी बोलबो, आमी समझाते हैं आपको। हमने हमारा बेटा का शादी मोनालिका के साथ किया, लेकिन उसने पहली रात को इसको पीटा, जमीन पे घसीटा, कबूतर उड़ा काली घाट में, और बेटा पड़ा रहा 10 दिन खाट में। उसने ऐसा क्यों किया है? पागल है पागल, मोनालिका एकदम पागल है। हाँ क्या, मोनालिका पागल हो गया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.